ट्वेल्थ क्लास पोल साइंस चैप्टर सेकंड, फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड बुक का ही। इसमें जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीय का अंत। इसमें एक यूएसएसआर था और सेकंड था अमेरिका। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बर्लिन की दीवार के बारे में, जो कि 1961 में बनी थी। ठीक है, ये एक तरीके से सीमा रेखा थी वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, जो कि जर्मनी के, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने डिमोलिश कर दी थी जब यूएसएसआर का विघटन होना शुरू हुआ था 1989 में। ठीक है, और ये जो दीवार थी इसके यानी कि ईस्टर्न साइड पे, पूर्वी साइड यूएसएसआर था और वेस्टर्न साइड पे इसके जो वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप की थी वो थी। तो जो यूएसएसआर था वो एक सोशलिस्ट कंट्री थी, ठीक है, साम्यवादी देश बोल सकते हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी, जो कि पूंजीवादी देश बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था? सबसे पहले जो यूएसएसआर में जो सिस्टम था उसको बोलते हैं सोवियत सिस्टम, सोवियत संघ हिंदी में बोलते हैं, सोवियत यूनियन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, यूएसएसआर को। तो ये जो सिस्टम था ये अगेंस्ट था कैपिटलिज्म के, पूंजीवाद के पूरी पूरी तरह ये अगेंस्ट था सिस्टम। ये सिस्टम फेवर नहीं करता था प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि निजी संपत्ति के पूरी तरह विरोध में था ये। ये जो सिस्टम है इसको लेड कर रही थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि यूएसएसआर की इकलौती पार्टी थी, इसके अलावा कोई भी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी। यूएसएसआर की जो इकनॉमी थी उसको हैंडल कर रहा था स्टेट, आजकल की इकनॉमी को हैंडल करता है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये ट्वेल्थ में या इलेवंथ में पढ़ा होगा। बर्लिन की दीवार मैंने बता दी, बर्लिन की दीवार के इस तरफ जहाँ पे यूएसएसआर है, 14 ऐसी कंट्रीज़ थी यूरोपियन कंट्रीज़ जो इसके अंडर में थी यूएसएसआर के, तो उन कंट्रीज़ को नई दुनिया बोला जाता था या न्यू वर्ल्ड बोला जाता था। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं यूएसएसआर के क्या थे। सबसे पहले जो यहाँ की इकनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी, एक काफ़ी बड़ा इलाका था, लगभग 14 to 15 इसमें शामिल थे देश जो आज अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्षेत्रफल ज़्यादा था, तो इनके पास रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा थे। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, इनके पास ह्यूज एनर्जी रिसोर्सेज थे, एरिया बड़ा होगा तो सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल होंगी, चाहे वो कोल हो चाहे स्टील हो कुछ भी। ठीक है, यहाँ के जो उद्योग थे, घरेलू उद्योग, डोमेस्टिक और जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थी, वो भी काफ़ी हद तक डेवलप थी। ये एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जो बेसिक नीड्स होती थी, जैसे एक किसी भी नागरिक की जो बेसिक नीड थी उसको पूरा करने के लिए सरकार उससे कुछ रीजनेबल रेट पर उसको ये सुविधाएं देती थी। ठीक है, नेक्स्ट है यूएसएसआर के कुछ ड्रॉबैक्स थे उस सिस्टम के। एक तो वहाँ पर लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ना के मतलब सॉरी ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर ज़्यादा थी, नौकरशाही बोलते हैं इसको हिंदी में। ब्यूरोक्रेसी में मेरे आ जाते हैं IAS IPS, ठीक है, जो भी सरकार को शासन चलाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वहाँ की पब्लिक की जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। ठीक है, काफ़ी बंदिश में रहते थे लोग, और यूएसएसआर जो था वो लगभग पंद्रह कंट्रीज़ का संघ था, जिसमें एक थी रशिया, और रशिया ही इन सबको लेड करता था, यानी कि डोमिनेंट कंट्री रशिया थी। नेक्स्ट है यूएसएसआर ने एक गलती करी थी, वो क्या थी, वो अमेरिका के साथ वेपन की दौड़ में शामिल हो गया था, जिसके कारण उसने अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दिया और वो वेस्टर्न कंट्रीज से पिछड़ता चला गया, और इसका परिणाम उसको बाद में भुगतना पड़ा किसके रूप में, सोवियत के या यूएसएसआर के विघटन के रूप में। ठीक है, यूएसएसआर में एक और चीज़ थी, यहाँ पर जो सरकार थी उसने वेजेस तो बढ़ाए थे मजदूरों को, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं था, उसका ध्यान था वेपन्स बनाने में और अमेरिका से बराबरी करने में। प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये क्या करते थे, फूड को इम्पोर्ट करा करते थे। अब बाद में इम्पोर्ट करना शुरू करा तो, कि कोई भी कंट्री अगर इम्पोर्ट करेगी ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम करेगी,
तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट या BOP ख़राब हो जाता है, ठीक है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और सेम यही हुआ USSR के साथ। नेक्स्ट है USSR के कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स हैं, दो तीन लीडर्स के बारे में इस पार्ट में और बाकी लीडर्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। सबसे मेन लीडर यहाँ का व्लादिमीर लेनिन, ये 22 अप्रैल 1870 में इनका बर्थ हुआ था, सिम्बर्ग रशिया में एक जगह है। इन्होंने बाद में बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, और 1917 में जो रशियन क्रांति हुई थी उसके बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई थी अपनी, उसका नाम था सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नेक्स्ट जो मेन लीडर है उनका नाम है जोसेफ स्टालिन। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करे थे, बदलाव मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करा, देश में औद्योगिकरण की तरफ काफ़ी जोर दिया। इन्होंने एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था, सामूहिकीकरण कर दिया था उसके अंदर, मतलब जो किसान थे वो अब ग्रुप में खेती करा करते थे, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 का जो जीतने का पूरा श्रेय, या हिटलर की जो आर्मी थी, सेना थी, उसको हराने का पूरा पूरा श्रेय किसको जाता है, जोसेफ स्टालिन को। इन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर इनके जो अपोनेंट्स थे उनको क्या कर दिया, उखाड़ फेंका। नेक्स्ट लीडर है निकिता दुश्चेव। निकिता दुश्चेव जो थे USSR के प्रेसिडेंट रहे थे 1953 से 1964 के बीच में, ठीक है, क्यूबा में मिसाइल संकट इन्हीं के टाइम पे हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और हंगरी में प्रोटेस्ट हुआ था, पब्लिक प्रोटेस्ट, उसको दबाने में इन्हीं का ही महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।